यहां तक कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट मैंने कहा कि वन मेल गैमीट फर्टिलाइज विद फीमेल गैमीट वाइल अदर मेल गैमीट डिजनरेट, जो दूसरा मेल गैमीट है वो डिजनरेट कर जाएगा। क्लियर है ये बात? तो फॉर्म जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो, पहले जाइगोट बनेगा और फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, और यहां पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ है डेट इज अ सिनगैमी होगा। क्या होगा? डेट इज अ सिनगैमी, ठीक है। और यहां पर मैंने स्टार बना के लिखा है नो डबल फर्टिलाइजेशन, यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देख लीजिए, यहां पर सिर्फ एक ही फर्टिलाइजेशन हुआ है और उसका नाम था डेट इज अ सिनगैमी, और दूसरा वाला जो मेल गैमीट था वो डिजनरेट हो गया है। देख लीजिए, क्या ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने यहां पे कहा कि नाउ अब ओव्यूल जो था, ओव्यूल चेंज इनटू सीड विदाउट ओवरियन वॉल, ओवरियन वॉल कह लें या फ्रूट कह लें, इसका मतलब फ्रूट नहीं होगा यहां पर, समझ रहे हैं? और इसीलिए नेकेड प्लांट, नेकेड सीडेड प्लांट कहलाएंगे, नेकेड सीडेड प्लांट्स। क्लियर है ये बात सर? जी सर, थोड़ा ऊपर एक बार स्क्रॉल कर दियो। ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होती है वो भी ट्रिप्लॉइड होती है? नहीं नहीं नहीं, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होगा। एंडोस्पर्म जो होगा वो हैप्लॉइड होगा जिम्नोस्पर्म के केस में। अगर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ होता, क्या हुआ होता? डबल फर्टिलाइजेशन, तब एंडोस्पर्म जो है वो डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड होता, लेकिन यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। और एंडोस्पर्म जो फॉर्म हुआ है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है, दैट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है। और जब विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ है एंडोस्पर्म, तो इसलिए हैप्लॉइड है। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई? यस सर। ओके, आगे बढ़ जाएं। यहां पर मैंने लिखा है टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होंगे जिम्नोस्पर्म के अंदर, इन जिम्नोस्पर्म्स। क्लियर है? एक हो जाएगा जूडोसिफोनोगैमी,
मैंने पहले ही कह दिया कि ये लोअर जिम्नोस्पर्म में होगा, तो मैंने कह दिया कि मेल गैमीट मोटाइल होगा आर मोटाइल वाइल ट्रांसफर टू फीमेल गैमीट बाय पॉलन ट्यूब। यह है जूडोसिपोनोगैमी। और दूसरा फर्टिलाइजेशन जो होगा वो होगा सिफोनोगैमी। सिफोनोगैमी हायर जिम्नोस्पर्म में होगा। हायर जिम्नोस्पर्म में मेल गैमीट आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल एंड रीच टू एग बाय पॉलन ट्यूब। हो गया कंप्लीट? बताइए। एक और हाईलाइट किया है मैंने, यहां पर लिखा है कि सिंगल फर्टिलाइजेशन फॉर्म जाइगोट। यहां पर सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा जिससे क्या बन जाएगा, जाइगोट फॉर्म होगा। क्लियर है? और दूसरा मैंने कहा कि एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होगा, ठीक है। और एंडोस्पर्म मैंने कहा कि फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक और मैंने यहां हाईलाइट किया है, मैंने कहा कि जिम्नोस्पर्म हैव हैव पॉली एम्ब्रियोनी। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डैट इज अ पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसका मतलब हुआ डैट इज अ सिंगल सीड हैव मैनी एम्ब्रियोज। सिंगल सीड के अंदर कई सारे एम्ब्रियोज होंगे। कुछ बात यहां तक समझ में आ गई है या नहीं है? नासिया किधर चली गई? कहीं नहीं गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दिस ये बताइए कि जिम्नोस्पर्म की प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट। इतनी बौड़म किस्म की लड़की मैंने आज तक नहीं देखी सच में। स्पोरोफाइट वो बॉडी होती है जिसके अंदर ट्रू रूट लीव्स एंड स्टेम होता है। इस तरीके की बॉडी स्पोरोफाइट होती है। और स्पोरोफाइट के अंदर तीन प्लांट्स आते हैं, एक आती है टेरिडोफाइट्स, एक आते हैं जिम्नोस्पर्म्स
एक आते हैं एंजियोस्पर्म्स। कुछ समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? तो ये बताए नासिया, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी किसको कहते हैं? सर ऐसी प्लांट बॉडी होती है जी जिसके अंदर ट्रू रूट गैमेटोफाइट के ऊपर। क्या कह रही है? गैमेटोफाइट पे भी तो डिपेंडेंट होती है वो। अरे उसकी जरूरत नहीं है, वो सब तो छोड़ दीजिए तो और छोड़िए सब बकवास। बस इतनी बात जान लीजिए कि अगर ट्रू रूट और स्टेम, ट्रू रूट लीव्स और स्टेम है तो इसका मतलब स्पोरोफाइट है, और ट्रू रूट लीव और स्टेम नहीं है तो इसका मतलब है गैमेटोफाइट है। टेरिडो स्पोरोफाइट में कौन कौन आएगा? तो एक आएगा टेरिडोफाइट, दूसरा आएगा जिम्नोस्पर्म, तीसरा आ जाएगा एंजियोस्पर्म। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? यानी स्पोरोफाइट में कौन कौन से प्लांट बॉडी आ जाएगी? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर है? तो ये बताइए कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर रूट स्टेम लीव होगी या नहीं होगी? होगी होगी। तो इसका मतलब प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होती है, ये बात आपको पता है नहीं पता है? स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जब ग्रो करेगी तो इसके ऊपर क्या क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा और लीव्स आ जाएंगी। हाँ या ना? यस सर। उसके बाद इस पर आ गया मेल कोन। क्या आ गया? मेल कोन। ये भी डिप्लॉइड थे सब, मेल कोन भी डिप्लॉइड हैं। समझ रहे हैं? मेल कोन भी डिप्लॉइड है। मेल कोन के बाद अगर देखा जाए तो ये बताओ मेल कोन किससे बना था? जल्दी बताओ। मैं वो माइक्रोस्पोरोफिल से। सही जवाब। तो ये रहा माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा या नहीं बनेगा? दैट इज अ माइक्रो स्पोरेंजियम होगा या नहीं होगा? ये भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड माइक्रोस्पोरेंजियम। याद है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अगर आप देखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम किसको कहते थे हम? वो पॉलिन चैम्बर। पॉलिन चैम्बर को। पॉलिन चैम्बर के अंदर अगर आप देखें तो माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे या नहीं होंगे? होंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। तो ये आपने बता दिया कि यहां पर हो जाएगा मियोसिस, और क्या बना देगा ये? चार माइक्रोस्पोर। तो ये बना देगा फोर माइक्रोस्पोर्स। हाँ या ना? ये सारे माइक्रोस्पोर अगर देखा जाए तो कैसे हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। और अब अगर देखा जाए तो चार माइक्रोस्पोर में से एक की बात कर ले रहे हैं हम, तो पहली चीज मैंने कहा कि एक बना देगा डेट इज अ रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट। हाँ या ना? मेल गैमेटोफाइट की बात याद हो? हाँ जी हाँ जी। सब बाकी तीन डीजेनरेट हो जाएंगे? नहीं, डीजेनरेट नहीं होंगे, सब उड़ेंगे, सब उड़ के जाएंगे, लेकिन सबके अंदर यही हो रहा है कि रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, लेकिन इसमें से कुछ ही मेल गैमेटोफाइट पहुंच पाएंगे फीमेल पार्ट तक, बाकी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि पॉलिनेशन विंड से हो रहा है। ठीक है? तो यहां पर माइक्रोस्पोर ने क्या किया था? जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन करने पर इसने रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट बनाया था, याद है? रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट जो था इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दो मेल गैमेट थे, अभी ऊपर ही बताया है मैंने। हाँ या ना? यस सर। जिसमें से क्या हुआ था कि एक मेल गैमेट तो खत्म ही हो जाएगा, वो डिजेनरेट कर जाएगा, और एक मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा। हाँ या ना? यस सर। ओके, वापस आते हैं अपना इधर की तरफ। अभी तक अगर आपने देखा तो ये सारा का सारा पार्ट
कौन सा पार्ट था ये? हाँ जी, कौन सा पार्ट था ये? मेल वाला, देख लीजिए सारा मेल था या नहीं था। लेकिन इस बार हम जो बात हो रही है डैड इज अ फीमेल वाले की बात करते हैं, तो फीमेल की भी बॉडी कैसी होगी? स्पोरोफाइट आया ना, डैड इज 2N होगी। इसके अंदर भी क्या होंगे, रूट स्टेम लीव्स होगी या नहीं होगी, ये भी डिप्लॉयड होगा। इस बार इसके अंदर कौन सा कोन आएगा? फीमेल कोन पे कौन सी लीव आएगी? मेगा स्पोरोफिल। दैट इज अ मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल की बात करें तो मेगा स्पोरोफिल भी डिप्लॉयड है। मेगा स्पोरोफिल की बात करें तो इसके ऊपर आ जाएगा मेगा स्पोरेंजियम। हाँ या ना, मेगा स्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो मेगा स्पोरेंजियम में क्या बनेगा? वो में फीमेल गैमेट, मेगा स्पोर मदर सेल। समझ रहे हैं क्या बनेगा? दैट इज अ मेगा स्पोर मदर सेल बन जाएगा। मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कौन सा डिवीजन हो जाएगा बताइए? मियोसिस। मियोसिस। और जब मियोसिस हो जाएगा तो क्या बना देगा ये? चार मेगास्पोर्स बना देगा। और ये सारे मेगास्पोर हैप्लॉइड हैं, जिसमें से 3 मेगास्पोर डिजनरेट कर जाएंगे। क्या ये बात सही है? और ये मेगास्पोर जर्मिनेट कर देगा और बना देगा फीमेल गैमेटोफाइट। हाँ या ना, फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें एंडोस्पर्म भी मौजूद है। क्या मौजूद है इसमें? दैट इज एन एंडोस्पर्म। इसके साथ साथ इसके अंदर आर्चिगोनिया था, याद है, हैप्लॉइड। आर्चिगोनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो फीमेल गैमीट होगा या नहीं होगा? फीमेल गैमीट यानी एग होगा, जो कि हैप्लॉइड है। ये आया मेल गैमीट, ये आया फीमेल गैमीट। कौन सा गैमीट आया? फीमेल गैमीट। ठीक है। और यहां पर हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अभी मैंने आपको बताया था, एक था जूआइडोगैमी, और एक साइफोनोगैमी। ओके, तो दूसरा था सिफोनोगैमी। और उससे फाइनली क्या बन गया? जाइगोट। दैट इज द डिप्लॉयड जाइगोट बना। ये जाइगोट जब बना तो ऑब्वियस बात है कि ये एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होगा। एम्ब्रियो के बाद देखा जाए तो सीड बन जाएगा, नहीं? और सीड जो है, फर्दर अगर देखा जाए तो स्पोरोफाइट बना देगा। क्या ये बात सही है? और फिर से इसकी जिंदगी शुरू हो जाएगी। हाँ या ना? यस सर। हैं? यस सर। ओके, छप गया? नहीं छपा। ओके, छापेंगे? यस सर। ओके, और पीछे चले, छोटा कर। हाँ भाई, यहाँ पे छोड़, फीमेल वाला दिखा दिए। ओके, अब कुछ दिख रहा है सर? थोड़ा सा और ऊपर। ओके, ये लीजिए। यस सर। दिखाई दे रहा है? तो ये वाला फीमेल पार्ट है।
दैट इज अ फीमेल, और ये वाला आपका मेल वाला हिस्सा था। क्या ये कंप्लीट हुआ या नहीं? सर अभी नहीं। ओके, अल्लाह 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 अल्लाह। ओके, अब यस सर, बाकी विद्या प्लस आरतियों का क्या कहना है? इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, डेट इज अ जिम्नोस्पर्म की। तो एक क्या था, डेट इज अ पाइनस, एक क्या था, डेट इज अ साइकस, एक क्या था, डेट इज अ नीटामुला, एक क्या था, डेट इज एन एफेड्रा, एक क्या था, जूनिपर्स, एक क्या था, एबीज, एक था थुजा, ठीक है, एक था कॉनिफर्स, और एक था वेलविचिया। हो गया? आगे बढ़ जाऊं? सर अभी बस एक मिनट। ओके, अभी जल्दी से। सर हो गया। ओके, चलिए आप जरा नोट बना के इम्पोर्टेंट बना लीजिए सारी बातें, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। पहला है फादर ऑफ प्लांट पैलियोबॉटनी, फादर ऑफ प्लांट पैलियोबॉटनी कौन है? तो ये हैं बेसिकली प्रोफेसर बीरबल सानी। तो दैट इज अ इंडियन प्लांट पैलियोबॉटनी है ये। कंप्लीट हो गया? यस सर। सर ये इंडियन है? रामिया, हां जी, पिग्मिया, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तीसरा आ जाइए, डेट इज अ साइकस। तो साइकस का नाम है डेट इज अ सागो पाम, फर्न पाम, ठीक है या नहीं? और ये डायोशियस है। अभी जो ऊपर मैंने आपको फोटोज दिखाए थे वो सब साइकस के थे, पता है बात आपको? नहीं,
नो सर। अभी जो ऊपर प्लांट दिखाए थे याद है, देखे कभी ये वाले प्लांट? नहीं, इनके फोटोज देखे? अरे फोटो तो असली देखा प्लांट, है। असली प्लांट देखे नहीं देखे ये वाले? नहीं असली प्लांट ही नहीं देखे? ओके, असली प्लांट नहीं देखे हैं तो ये बेसिकली साइकस है बेसिकली, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ साइकस, फिलहाल इतना समझिए। ये समझ में आ गई? साइकस हो गया, सागो पाम हो गया या नहीं? चलिए नेक्स्ट आइए, डाडेजा, जिंगो बाइलोबा। कौन सा है? जिंगो बाइलोबा, डाडेजा लिविंग फॉसिल्स है, समझ रहे हैं? जिंगो बाइलोबा लिविंग फॉसिल है जो बेसिकली मेडन हेयर ट्री कहलाता है, ठीक है। यहां पर अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं कॉनिफर्स। इस कॉनिफर्स के अंदर ये सारे प्लांट्स आ जाएंगे। तो पहला आ जाइए मेडन हेयर ट्री को कहते हैं। मेडन हेयर ट्री इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो लीव्स है वो बिल्कुल ऐसा लगता है देख के जैसे कि एक लड़की ने अपने बालों को खोल के लटका रखा है। अब खुश हो गई पागलों की तरह, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? पेड़ पास हो गया लड़की। हाँ जी, तो ये बेसिकली मेड इन हेयर ट्री कहलाता है कि एक रानी है जिसने अपने बालों को खोल के लटका रखा है। तो नेक्स्ट आइए डाडेजा, पाइनस पर, ठीक है। पाइनस की खास बात यह है कि इसका दूसरा नाम है डाडेजा चिलगोजा पाम। कौन सा पाइन है ये? और उस चिलगोजा पाइन का नाम है पाइनस रॉक्स बरगई, ठीक है। डाडेजा चिलगोजा पाम, एक मिनट, डाडेजा पाइनस जियार्डियाना है। पाइनस जियार्डियाना है ये, डाडेजा चिलगोजा पाम पाइनस जियार्डियाना। बात समझ में आ रही है यहां तक? नहीं आ रही है? फिर एक और है डाटेजा चीर पाइन, ये बेसिकली पाइनस रॉक्स भर गई है। दिस इज द पाइनस रॉक्स भर गई। यहां तक कंप्लीट हो गया? और मैंने कहा पाइनस इज यूज्ड टू ऑब्टेन, पाइनस इज यूज्ड टू ऑब्टेन टर्पेंटीन ऑयल। आपने कभी ऑयल के अंदर देखा है जब घर में वार्निश वगैरह होता है, पेंट वगैरह होता है, वार्निश का नाम सुना है? वार्निश का? हाँ जी सर। वो वार्निश जो है वो भी स्पाइनस से ही मिलता है, स्पाइनस से ही निकाला जाता है वार्निश के। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, कोडाडेजा सिड्रस। सिड्रस की बात करें तो दिस इज अ दियोदार ट्रीज। सिड्रस को क्या कहते हैं हम? डियोडार ट्री। सेवंथ की बात करें तो डाडेजा टेक्सस, ठीक है, जिसका एक और नाम है डाडेजा यू ट्री कहलाता है, ठीक है। और इससे एंटी कैंसर मेडिसिन भी मिलती है, एंटी कैंसर मेडिसिन जिसका नाम है टेक्सॉल। From their bark.
नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज एन एबिस बाल्सीमिया। सिट्रस लिखा है या सिट्रस लिखा है? सिट्रस, सी ई डी, ये सिडस नहीं है बल्कि सिट्रस है। सिट्रस एबिस बाल्सीमिया, तो इससे हमें मिलता है कनाडा बाल्सम। ठीक है, और ये परमानेंट स्लाइड बनाने में यूज होता है। परमानेंट स्लाइड जब आप बनाएंगे तो उसमें यूज होगा। जी सही, टेक्सिस के आगे वाई ई यू ट्री का मतलब यू ट्री कहलाता है। इस पेड़ का दूसरा नाम है यू ट्री। ठीक है, एक और है डेट इज एन एरोकेरिया। एरोकेरिया का मतलब है डेट इज अ क्रिसमस ट्री है। ये पहली बार आपको पता चल रहा होगा डेट इज अ क्रिसमस ट्री। तो किस क्रिसमस ट्री किसको कह रहे हैं? डेट इज अ एरोकेरिया को। और आपने बहुत अच्छे से देखा है एरोकेरिया, ये भी खास बात है। एक है सुकोया स्पीशीज। सुकोया स्पीशीज की बात कर लें तो यानी ये बेसिकली फादर ऑफ फॉरेस्ट कहलाते हैं। फादर ऑफ फॉरेस्ट और जायंट एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स हैं। जायंट जिम्नोस्पर्म्स हैं ये। क्लियर है? एक और खास बात है कि इसमें रेडवुड ट्री है। ठीक है, या फिर श्रीमैन ट्री कहलाता है या फिर शेयरमैन ट्री। ठीक है, एक और है डेट इज अ मेटा सुकोया। नहीं तो ये आ जाइए लिविंग फॉसिल्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ग्रो इन चाइना वैली। चाइना वैली में मिलेंगे ये। जूनिपरस विग्नियाना, विग्नियाना, तो ये बेसिकली सिड्रस वुड ऑयल है, इससे मिलता है। ठीक है, और यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ठीक है, और ये लड़कियों के लिए है। नेल पॉलिश रिमूवर भी निकाला जाता है इससे, यानी इसी पेड़ से नेल पॉलिश रिमूवर भी यूज किया जाता है। कुछ बात समझ में आ गई यहां तक या नहीं? जल्दी बताइए, लिख लिया सबने? यस सर। सबका हो गया? ठीक है, ये देख लीजिए जरा। यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर देखिए साइकस आपने देखा होगा अच्छे से। ठीक है, जरा देख लीजिए, एक दो पेड़ दिखा देता हूं मैं साइकस के, उससे एक आइडिया हो जाएगा आपको। इस तरीके का पेड़ देखा है कभी? ये पेड़ देखा है, ये वाला देखा है? ये तो देखा है, ये साइकस है, समझ रहे हैं? ये साइकस का पेड़ है ये। नहीं, ये नहीं देखा मैंने, ये नहीं देखा है। तो इसमें सारे के सारे साइकस हैं, सारे के सारे, समझ रहे हैं? कभी गुलिस्ताने सैयद देखा है? इसमें देखिए ये कोन निकल रहा है, ये देख लीजिए। ये पेड़ आपने नहीं देखा है, ये वाला? नो सर, ये पेड़ नहीं देखा, ये साइकस है बेसिकली।
ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए, डेट इज अ पाइनस बी। ये जितने हिल स्टेशन पे आप जाएंगे, हिल स्टेशन पर, तो हिल स्टेशन पर आपको ये पाइनस लगा मिलेगा, देख लीजिए पाइनस लगे हुए हैं, ये पाइनस लगा हुआ है। और पाइनस की खास बात यह है कि इसकी निडिल लीव होती है, देख रहे हैं इसकी लीव, देख रहे हैं इसकी लीव कैसी है, दैट इज निडिल लीव है, देख लीजिए, देख रहे हैं ये निडिल लीव है इसकी, किसकी, पाइनस की, दिखाई दे रहा है ये। और ये पाइनस का कोन है, ये पाइनस के कोन है, ये वाले ये पाइनस के कोन है, ये सारे ये दिखाई दे रहे हैं या नहीं। पाइनस के बाद आ जाइए तो एक है डेट इज अ सिड्रस, तो देख लीजिए सिड्रस को भी, सिड्रस की भी लीफ निडिल के जैसी है, बस निडिल यहां पे छोटी है, लीफ दिखाई दे रहा है, सिड्रस देवदार यहां पे अगर देखें तो लीफ छोटी है लेकिन है निडिल के जैसी, देखो ये भी है। और अगर देखा जाए तो इस तरीके के कोनिकल पेड़ होते हैं ये वाले, दिखाई दे रहे हैं कोनिकल पेड़, और ये आपको हिल स्टेशन पर मिलेंगे। कुछ कहानी समझ में आई या नहीं आई है, बताइए जल्दी। ओके आ जाइए तो डाडेजा नीटा मुला पर, करा दीगा क्या चीज, ये जो अभी आप कराने वाले, हाँ क्या करा दूं इसका मैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करा दीगा। ओके चलिए ठीक है।